though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर, यहाँ जितने भी रंगकर्मी एवं दर्शकगण उपस्थित हैं, हमारे गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मनीषा चौधरी, और इससे पहले कि आज के नाटक का परिचय दूँ और बाकी की बातों की शुरुआत करूँ, मैं अपने निदेशक श्री रमेश गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्रम उत्तर प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथि श्री अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, एवं डॉक्टर ए वी राजू, माफ कीजिएगा, डॉक्टर के वी राजू माननीय मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार हमारे बीच मौजूद हैं, आपको लेकर दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। जैसा कि भारतीय परंपरा का हिस्सा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। आपसे ये अनुरोध करती हूँ, कृपया करता ध्वनि से स्वागत करें हमारे अतिथिगण का। अपना मोबाइल फोन कृपया स्विच ऑफ कर लें या फिर साइलेंट मोड पर रखें, क्योंकि जो कलाकार यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उनकी एकाग्रता भंग होती है, तो कृपया इतना थोड़ा सा ख्याल आप भी करिए। सुगंध और प्रकाश, इन दोनों ही चीजों का बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है, इसीलिए स्वागत की ये परंपरा रखी गई होगी। हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा, और अब आपको बताते हैं आज जो नाटक यहाँ पर खेला जाने वाला है, चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन द किंग ऑफ ट्रेजडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं और रंगमंच से जुड़े लोग जिन्हें कला में दिलचस्पी है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चार्ली चैपलिन की क्या महत्ता थी पूरे कला क्षेत्र में, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उनको फॉलो करते हैं, करते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्तित्व तो बहुत विशिष्ट होता है, अनुपम होता है, उसे फॉलो किया जा सकता है, लेकिन उसी की तरह हो जाना संभव नहीं होता। लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजडीज भी थी, इसीलिए साथ में लगाया गया है द किंग ऑफ ट्रेजडी, जिसकी परिकल्पना और निर्देशन विक्रांत मणि त्रिपाठी, सह निर्देशन शुभम दुबे का है। बाकी की चीज़ें आपको नाटक के बाद बताऊँगी, लेकिन इसके साथ ही ये कहना चाहूँगी कि आज विश्व रंगमंच दिवस है, और एक छोटी सी बात के साथ अब मैं मंच अपने आर्टिस्ट के हवाले करने वाली हूँ। एक कविता जो कि खास तौर पर आपके लिए लिखी है, क्योंकि आप सभी रंगकर्मी हैं, तब भी जब तुम जानते हो अपने जीवन में उजाला नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक थिएटर की दुनिया है कमोबेश ऐसा ही होता है, तब भी जब तुम जानते हो अपने जीवन में उजाला नहीं कर पाओगे, तुम सेट की बत्तियाँ जलाते हो बुझाते हो, कभी घूम घूम के संवाद याद करते हो, कभी एकल भाव में खो जाते हो, जब नाटक के अंत में तालियां गड़गड़ाती हैं टूट कर, तुम भी टूटते घुलते हो भावों में, जबकि जानते हो तुम भी इस एक पल के बाद सब शेष हो जाएगा,
ये सिनेमा की रील नहीं जो समेटने के बाद फिर लगाई जाएगी। ये एक युद्ध का चरम है, ये एक युद्ध का चरम है जहां झोंक देता है हर योद्धा अपने आप को, पूछता नहीं क्या मिलेगा मुझे, समर्पित हो जाता है मन प्राण से, क्योंकि ये बिंदु मात्र है। करो या मरो के बीच दर्शकों की एक हंसी के लिए तुम मर मर कर हंसते हो बार बार, उनके एक आंसू के लिए बहाते हो अपने आंसू हजार, तुम भगीरथ भी हो द्रोणाचार्य भी, सदी का सत्य हो अनादि का इतिहास भी, तुम समेटे हो हर कथा अच्छी बुरी, तुम समेटे हो हर कथा अच्छी बुरी, अद्भुत हो अविस्मरणीय कला भी हो संस्कार भी, जिंदा रहना है तुम्हें सदा, एक संसार जिलाना है तुम्हें, जो निष्प्राण निष्प्रिय जी रहे उनका भी जीवन तुम हो, ये मेरी तरफ से आप सभी को समर्पित है, सभी को थोड़ी देर के लिए आती हूँ आपके साथ मंच पर, लेकिन मैंने आपका वो समर्पण देखा है, आपकी जिजीविषा देखी है, और थोड़ी देर के लिए हम दर्शकों को आनंद से भर देने का जो एक गुण देखा है उसी ने मुझे ये लिखने पर प्रेरित किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने कलाकार मंडली को, वो आए और आज की शाम को यादगार बनाए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। Gentlemen of California, and once again a very warm and heartiest welcome to all of you in this beautiful star-studded evening. Ladies and gentlemen, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब वक्त हो चला है दुनिया की उस महान शख्सियत को सम्मानित करने का, जिनका मानना है वो दिन जो हम बिना हंसे मुस्कुराए गुजारते हैं असल जिंदगी वो हमारा दिन होता ही, दर्द में भी मुस्कुरा के जीना इनकी खासियत। अभिनय की दुनिया में इनके काम और अतुलनीय योगदान के आज ऑस्कर इन्हें सम्मानित करेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बगैर ज्यादा वक्त जाए दुनिया की इस महान शख्सियत को सम्मानित करने के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा बॉलीवुड के जाने माने स्क्रीन राइटर और मेरे बेहद अजीज दोस्त मिस्टर डैनियल टैराडास्को। गिव अप अ बिग हैंड्स फॉर हिम। Due respect from the depth of my heart, I would love to invite on stage the star, the gem, and the comedy king of the world, none other than one and only Mr. and Mrs. Charlie Chaplin. अभी तक खाना नहीं खाया, मैं आपको
आती है? छोड़ दूंगा। छोड़ो ना इन सब बातों को। कैसे छोड़ दूं? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे के नाटक से, तुम्हें समझा के। तुम्हें जरा भी ध्यान है, घर में बच्चा है, उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? मुझे फांसी ना दो यार, खाना लगा, भूख लग रही है। कहाँ से लाओ खाना? हाँ बोलो, कहाँ से लाओ खाना? सारा पैसा तो तुम पीने उड़ा देते हो। तुमने कभी सोचा घर में सब्जी है कि नहीं? बच्चा बीमार है तो उसकी दवाई है कि नहीं? मुझे कुछ चाहिए कि नहीं? अरे चांद बड़ा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं। पर दिन रात शराब जुआ याशी। हाँ करता हूँ, अपने पैसे करता हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बिक गया तुम्हारी इसी नशे की आदत में। न बच्चे की पढ़ाई का ख्याल है, न किसी और बात का। मेरी तो पार्टी छोड़ दो। और तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे पैसे नहीं बचते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है तुम्हारे पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च होते हैं। क्या पता तुम्हें? बोलो कहाँ जाते हैं मेरे पैसे? ये बात मुझसे बेहतर तुम जानते हो, इसीलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जवान चले लगी तेरी, बहुत कमजोर करते थे, मुझसे जवान लड़ाती है। बस बात हो गया, अब मैं तुम्हारी बार और सहन नहीं कर सकती। तुमने आज फिर मुझ पर हाथ उठाया, आज मुझ पर हाथ उठाया, कल बच्चे पे हाथ उठाओगे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो मत रहो ना, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। और क्या हमेशा कहती रहती हो तुम? डिवोर्स चाहिए तुम्हें? डिवोर्स दिलवाता हूँ तुम्हें, डिवोर्स में आज ही नोटिस भिजवाऊंगा। डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, डर क्यों रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो?
हाँ बेटा, बाहर जा रही हूँ, घर को चलाने के लिए काम करना पड़ेगा ना। हाँ Thank you.
तीनों खोलूंगा और तू तो उधर का हीरो होगा, हीरो। अरे यहाँ तो पब्लिक, तेरा ध्यान किधर है? अरे मैं कब से अकेले बोले जा रहा हूँ? कल आऊंगा, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। हाँ अब टॉप टेबल साफ करो यार, पता नहीं क्या है। हेलो, मैं चार्ल्स। चार्ल्स? हाँ हाँ मैंने देखा, अच्छा। थैंक यू। मेरा नाम कैली है, ठीक है। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, बिल्कुल। ओह थैंक यू। वैसे अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं माने? कहो। क्या आप मेरे घर की शोभा बनेंगे? क्या मैं कोई फूल नहीं हूँ जो तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाऊं? मेरी नजर में तो आप एक फूल ही हैं। और इस फूल को कभी नहीं दिखा। अच्छा, बातें अच्छी करते हो, लेकिन तुम करते क्या हो? ये सब नाचना गाना नाटक। हाँ, मैं यही सब करता हूँ और यही मेरी जिंदगी है। मैं एक आवारा हूँ, आवारा थिएटर वाला। ओह, तो मिस्टर चार्ल्स को लगता है कि नाचने गाने वाले के साथ मैं रोमांस करूंगी? हाँ, क्यों नहीं। और मेरा मानना है कि एक आवारा, एक सज्जन, एक कवि, एक सपने देखने वाला व्यक्ति और एक मेरी तरह अकेला इंसान सिर्फ दो ही चीजों की कल्पना करते हैं, या तो रोमांच या फिर रोमांस। अब इस वक्त आपके साथ रोमांच क्यों ना हो? रोमांच बात तो ठीक है ना, राह चलने से मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी तालियां करने जा रही हूं, तुम्हें लगा मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊंगी? और अभी तो मिले थे ना थोड़ी देर पहले, पहले लाइक और फिर लव तक पहुंच गए। चलो लाइक करके छोड़ दो, तुमने अपनी शक्ल और हुलिया देखा है? ये फटी पैंट पुरानी शादे जितना वो जैकेट है, तुम्हारे शरीर के कपड़ों की जितने की कीमत है ना उससे कई ज्यादा की मेरी पाव की सैंडल है। कम से कम अपनी औकात के बात करना सीखो रेडी फूल। अपना तो यही गणित है सर, दुख हो या दर्द हमेशा मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराने से दर्द दिखाई नहीं देता। और जब मुझे रोना होता है ना तब मैं बारिश में निकलता, ताकि लोग मेरे आंसू का देखें।
दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि जीवन की परेशानियां भी। हंसना रोना तो लगा ही रहता है और यही इस दुनिया का सत्य है। छड़ी और टोपी के लिए शुक्रिया डॉलर, आज तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई। तुम्हें जितना हंसना था तुमने हंस लिया डॉलर, लेकिन अब मेरी बात, इस दुनिया को हंसा दे। रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन। Thank you.
सर मैं चार्ल्स चार्ल्स चैपलिन। क्या काम है? जब पीटर सर से मिला। अच्छा ठीक है, जाकर उन लोगों को समझाओ। सर मैं चार्ल्स चार्ल्स चैपलिन, मुझे थॉमसन ने आपके पास भेजा है। मुझे पता चला है कि आपका बहुत बड़ा प्रोडक्शन आउट है। बेटा ये हॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ तुम्हारे जैसे दूध न जाने कितने आते और अगर ऐसे देखा तुम्हें काम देने लगा तो मेरे प्रोडक्शन हाउस को बंदोबस्त चंद महीने लगेंगे। और वैसे भी बेटा थॉमस ने जिस कैरेक्टर के बारे में बताया था वो तो कोई ढीला ढाला खराब ही कैरेक्टर, वो तुम नहीं। जाओ बेटा जाओ, चाय और बिस्किट और मेरे पता।
Thank you.
कहाँ रखा है मेरा? स्टेला, स्टेला, पता नहीं कहाँ मजा। क्या बात? बात करो। तुम्हें रेग्रेट हो? हाँ, मेरा मन किया तो चलिए क्यों नहीं आ सकती? अरे, क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। लेकिन इस मेरे बात में कोई खास वजह नहीं है। क्यों? जरूरी है क्या कि हर बात की कोई वजह ही हो? बेशक। कितने वजह की चीज़ है? ज़्यादा दिन तक कितनी रही? वो ये आप और आपकी समझदारी भरी बातें। साल का अंतर है और भी ना जाने कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। जिसे तुम पति पर हमेशा मुस्कुराता हुआ देखती हो वो एक ट्रैप है और असल जिंदगी में मैं चार्ली चैप्लिन हूँ। इन दोनों में बहुत सारी समानता है। एक को कभी सुख नहीं मिला तो दूसरे को कभी दुख। इनमें सिर्फ एक समानता है, दोनों ने कभी भी विलासिता को अपना आदि नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें और दुनिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं आप, मगर अफसोस एक औरत को नहीं समझ सके। चार्ली सर मेरे पास भी आके हैं, मुझे भी दिखते हैं आपके सर के पके हुए बाल। मुझे भी पता है कि हमारी उम्र में 30 साल का अंतर है, लेकिन चार्ली सर जब एक लड़की किसी को अपना जीवन साथी बनाने की सोच लेती है ना, तो उसके लिए आपकी उम्र, धन, दौलत, विलासिता मायने नहीं रखती और वो सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देती है।
Thank you.
Thank you.
और सामाजिक मूल्यों को नजर में रखते हुए जूरी मिस्टर चैपलिन को गिल्टी करार देती और इन्हें अगले 10 वर्ष के लिए अमेरिका से निष्कासित करती। कोर्ट इज एडजर्न। सर आपको अमेरिका देश से निकाला जा रहा है, इस बात का आपको क्या कहना है? अब अमेरिका का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। अब यहाँ का राष्ट्रपति अगर खुद ईसा मसीह हो जाए तो भी मैं यहाँ पर Thank you.
talk of it. Yesterday was the end of the era, and but come something constantly at the age of 88, he was of the Schwarzenegger events from last month. शंता से जुड़ी हुई ये शाम और मैं अपने सभी जो अभिनेता थे पूरे दल को आमंत्रित करती हूँ यहाँ मंच पर। निजी तौर पर मेरे लिए भी ये बहुत फख्र महसूस करती हूँ मैं इस बात से कि जो दो प्रमुख पात्र थे चार्ली चैपलिन और उनकी माँ जिनका रोल किया था आशीष और आरती ने कुछ समय के लिए मेरे भी विद्यार्थी रहे और हमने इनको शुरुआत करते हुए देखा है रंगमंच पे और यहाँ तक पहुँचते हुए देखा। अभी आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप और बहुत आगे तक जाएं, बहुत ऊंचाई हासिल करें। पूरी टीम को आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। नन्हे से बच्चे के रूप में बेबी चार्ली चैपलिन जो बने थे शिवांग मौर्य, बहुत ही चार्ली चैपलिन आशीष गुप्ता आरती दुबे, हन्ना चैपलिन हुआ, संदीप कुमार, चार्ल्स स्पेंसर, जॉर्ज कोर, शोर नंबर वन, शुभम दुबे जो कि डॉलर पर्दे के पीछे थे, सृष्टि शेखर, सृष्टि के भी जॉन वाली कोर, सीता कोंसानी, उन्ना उन्नी, सूरज पांडे बॉक्सर, बार ओनर, समीर श्रीवास्तव आयुष्मान, सचिन सक्सेना आयुष्मान, अंकुर वर्मा चोर
राकेंद्र मिश्रा, शुभम दुबे, संगीत संकलन अभिषेक श्रीवास्तव, संगीत संचालन सुप्रिया चटर्जी, वेशभूषा और अभिकल्पना शुभम दुबे, दृश्य बंध परिकल्पना संविधान विश्वकर्मा, दृश्य बंध निर्माण संदीप कुमार, सृष्टि शेखर, मंच सामग्री संदीप कुमार, आशीष गुप्ता, पोस्टर पोस्टर कार्ड अमित मौर्य, सोनिया चौधरी, रूप सज्जा, शुभम दुबे सह निर्देशक, जितेंद्र सिंह नेगी, प्रेक्षागृह व्यवस्था राजेश मौर्य, डी सी गुप्ता, प्रेक्षागृह प्रकाश व्यवस्था, प्रस्तुति सहायक मुझे आयुर्वेद जैक्सन, वेब अधिकारी कृष्ण कुमार, प्रस्तुति सहयोग दल अंजलि श्रीवास्तव, विवेक पांडे, अमृत श्रीमती शीला एवं समस्त कर्मचारी प्रशासन रहा और हम बुलाना चाहेंगे संकल्पना अभिकल्पना एवं निर्देशन जो कर रहा विक्रांत मणि त्रिपाठी if you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.